Ain't nobody stopping me. नमस्कार चिराग भाई। तो ये अपने पास क्या है दोनों? ये दोनों मैंने, ये प्रिंस का बच्चा है। ये बच्चा है? हाँ, प्रिंस का। हाँ, प्रिंस का बच्चा है जो मैंने पंजाब से खरीदा है, बग्गा भाई जी से। हाँ जी। 6 मंथ का था तब से मैंने लिया तब। और अभी कितनी उम्र होगी? अभी इसका रनिंग 11 महीना हो गया। 11 महीना मतलब 5-1 महीना हो गया आपको परचेस किया। और ये अपने पास दूसरी, ये नूरी है जो मिंटू रोड वाले की है। मिंटू रोड वाले की? हाँ। तो ये भी परचेस ही की थी? ये भी दोनों साथ में परचेस किया। ये पहले मैंने 1 महीने से पंजाब में खरीदा था। हाँ। उसके साथ ही इसको भी मंगवाया मैंने। हाँ, मतलब दोनों को साथ में मंगवाया। दोनों के साथ सेम 15-20 दिन का फर्क है दोनों में। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आपको नुकरों का भी शौक है? हाँ जी, हाँ जी, वाइट नुकरे बहुत पसंद है। और लाइन के, ब्लड लाइन के? ब्लड लाइन के। नहीं, दोनों बहुत बच्चे, अच्छे बच्चे हैं। इसका फादर जो प्रिंस पंजाब में है। हाँ हाँ। वो चैंपियन रह चुका है कितनी बार। हाँ, वो तो चैंपियन ही है, बहुत मस्त टैलेंट है। हाँ जी। और मतलब पहले आपको नौकरों का भी शौक है? हाँ जी। ये दोनों को बड़ा करने का ही प्लान होगा? हाँ, बड़ा करना और हमारे पास रखना, यही प्लान है। और ये जो बछेरा है उसका नाम क्या है? इसका नाम रेनबो है। रेनबो। और ये दूसरी बछेरी है उसका? इसका नाम नूरी। हाँ, नूरी। तो मतलब नुकरे है जो, वो आपको क्या लगता है कहाँ से मतलब निकले? वो मारवाड़ी में से है या फिर? वो नहीं, वो पंजाब की एक ब्लड लाइन से निकले। हाँ, मतलब अगोर लाइन से है। अबोहर। हाँ हाँ, मतलब वो अलग ही ब्रीड हो गई पंजाब। जैसे उसका जो प्रिंस है वो किसी चंबी पे भी डालोगे गोरे पे। हाँ हाँ। तो नुकरा ही खोलेगा। तो मोस्टली नुकरा ही खोलता है। हाँ, नुकरा ही आएगा बच्चा। और मतलब चंबी घोड़ी भी नुकरे बच्चे देने के लिए काम आती है। हाँ जी। तो क्या हुआ? मतलब जैसे कि चंबी घोड़ी होती है। हाँ जी। तो वो मतलब जैसे कि उसने नुकरा बच्चा दे दिया। हाँ, तो वो नुकरा बच्चा वापिस चंबा उसके में आ सकता है मतलब? हाँ, कभी कभी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नुकरे ही पैदा हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और जैसे कि नुकरों में बात करें तो ये कलर में फुलकारी भी होती है? हाँ, फुलकारी जरूर होती है। लेकिन ये दोनों मेरे पास जो है, अभी मैंने बच्चे जो खरीदे है, हाँ, दोनों स्पॉटलेस। तो मतलब आप क्या मानते हो, मतलब फुलकारी कौन सी उम्र में आनी चालू हो जाती है? उसका बोलो तो ऐसे जरूरी नहीं है कि अभी मैंने लिया तो फुलकारी नहीं आ सकती। हाँ हाँ। फुलकारी उसके 1 बरस के बाद 2 बरस के बाद भी आ सकती है। हाँ हाँ। तो कई स्टैलियन ऐसे जिसमें 5-6 साल हो गए तो भी फुलकारी नहीं आती। हाँ, वो उसकी माँ पे डिपेंड करता है और वो उसके खानदान पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ। जैसे कि अच्छा उसका हॉर्स हो, प्रिंस जैसा। हाँ हाँ। पारस जैसा। उसके लाइन में स्पॉटलेस ही बच्चे आते हैं। नहीं, पारस तो खैर शांत हो गया, 2 दिन हुए। हाँ जी। बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलियन था। हाँ जी। तो मतलब दोनों नुकरे बच्चे हैं। तो अभी ये रेनबो को तो आगे जाके शांत ऑस्ट्रेलियन ही बनाओगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या, दोनों अलग लाइन से, इसलिए आप दोनों से ब्रीडिंग भी ले सकते हो? हाँ, क्योंकि दोनों अलग लाइन से, बाकी अलग है। हाँ, अलग है। इसलिए क्या है कि इनब्रीडिंग भी नहीं होगी और दोनों बच्चे भी पहले से साथ रहे तो क्या है कि थोड़ा बच्चे पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके। Nothing can stop me, I'm all the way up.